हैप्पी बर्थडे टू यू। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मैं प्रियंका राज आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे खास प्रोग्राम पब्लिक डिमांड में। अब आप सोच रहे होंगे, भाई शुरुआत में मैं किसे बर्थडे विश कर रही थी, तो आप लोगों को बता दूं कि आज भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की बेटी कृति यादव, जो कि किसी एक्ट्रेस से कम नहीं, जी हाँ मात्र एक फिल्म दुल्हन गंगा पार के से अपनी काबिलियत दिखा करके इतनी ज़्यादा चर्चा में आ गई हैं कि आज वो पूरे सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं, क्योंकि आज उनका है बर्थडे। चलिए आज बर्थडे स्पेशल में कृति जो है उनको क्या तोहफा मिला है हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ से, यानी सोशल मीडिया की तरफ से, आप लोगों को बताते हैं। जी हाँ, आज इस पब्लिक डिमांड में हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के उन स्टार्स का जिक्र करते हैं जिनके गाने, फिल्म या फिल्म का ट्रेलर यूट्यूब चैनल पर रिलीज होता है। और आज रिलीज हुआ है कृति यादव का एक भक्ति सॉन्ग, जो कि फिल्म दुल्हन गंगा पार की में है वो गाना, और उस गाने में कृति ने बहुत ही शानदार एक्टिंग की है। चलिए अब आपको दिखाते हैं वो गाने के बोल क्या है, गाने का नाम क्या है, और फिल्म, जी हाँ फिल्म है दुल्हन गंगा पार के, गाने के बोल है माई के दुख से उभारता। आपको बता दें गाना खेसारी लाल यादव, काजल राघवानी, आम्रपाली दुबे, मनोज टाइगर इस फिल्म में है, और इस गाने को फिल्म इस गाने का जो म्यूज़िक डायरेक्टर है वो मधुकर आनंद जी हैं, और डायरेक्टर असलम शेख हैं जो फिल्म के भी डायरेक्टर हैं। प्रोड्यूसर डॉक्टर अरविंद आनंद है जो कि पूरी फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, और इस गाने को आज कृति के बर्थडे स्पेशल के साथ इन्हें अपलोड किया गया है, और ताकि कृति को एक खास तोहफा भी मिल सके और दर्शक इस गाने को पूरी तरीके से सुन सके। और इस गाने को वीडियो में रिलीज़ किया गया है जिसमें कृति बहुत ही मासूमियत के साथ वो मंदिर में जाकर देवी माता का पूजा कर रही है, और अपनी मम्मी के लिए वो दुआ मांग रही है कि भगवान उनको दुख से उबार दे। और इसी तरह से ही फिल्म को पूरा दिखाया गया है। एक चीज़ फिल्म के अंदर देखी गई कि कृति ने जिस समय फिल्म की शूटिंग की शुरुआत की थी उस समय उनकी एज कुछ और थी, और उसके बाद फिल्म पूरी होने तक या यूँ कह लें कि रिलीज़ होने तक वो काफ़ी बड़ी हो गई, और इसका डिफरेंस फिल्म में भी दिखता है, लेकिन वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू जो उनका किरदार है वो बिल्कुल उस पर सूट करता है। और काफ़ी समय से लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे और गाने का फाइनली इंतज़ार हुआ है, और आज कृति के इस गाने को अब तक करीबन 1 लाख लोग सुन चुके हैं, और सुनने के बाद अभी तक जिन जिन लोगों ने इस पर रिस्पॉन्स दिया है, यूँ कह लें कमेंट किया है, उसके बारे में भी जानना जरूरी है। जी हाँ, सबसे पहला मनीष पंडित का मैसेज है जिन्होंने लिखा है दुल्हन गंगा पार के ये फिल्म कब अपलोड होगी। जी हाँ मनीष जी, आपको बताना चाहिए कुछ समय पहले खेसारी लाल यादव की तरफ से कहा जा रहा था कि ये फिल्म ज़रूर अपलोड होगी, लेकिन किसी टेक्निकल इशू की वजह से ये फिल्म को रिलीज़ नहीं किया है। लेकिन बात जब इतने समय आपने वेट कर ही लिया है तो कुछ दिन और वेट कर लीजिए, डेफिनेटली खेसारी लाल यादव की तरफ से इस फिल्म को ज़रूर अपलोड किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला मैसेज हमारे पास संदीप यादव का है जिन्होंने लिखा है नाइस कृति, बहुत ही प्यारी लग रही हो। वहीं पर सोनू राज का है खेसारी लाल यादव बेटी, ऑल फ्रेंड आर लाइक यू, बहुत अच्छा आपने इसमें काम किया है, हैप्पी बर्थडे कृति। ये माही कुमारी की तरफ से मैसेज है। आकांक्षा जी हाँ, आकांक्षा राज की तरफ से मैसेज है, जन्मदिन की बहुत सारी बधाई कृति, आप 1000 साल जियो और खूब आगे बढ़ो। तमाम लोगों ने कृति को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई दी है, और इस गाने को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है। एक मैसेज हमारे पास आया हुआ है खेसारी लाल यादव फैंस एंटरटेनमेंट की तरफ से, पूरी हो तुम्हारी सभी ख्वाहिशें, कोई भी ख्वाब अधूरा ना रहे, तुमने दुनिया में हमारा मान बढ़ाया, हमारी दुआ है कि हमेशा तुम्हें अपना हम लोगों का साथ मिले, और मेरी राजकुमारी हमें तुम पर गर्व है, और जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत लोग दिल से इन्हें प्यार करते हैं, और शायद इसीलिए इतनी सारी उन्हें शुभकामनाएं, इतनी सारी उन्हें बधाइयां, इतनी सारी दुआएं उन्हें मिल रही हैं। एक एमके एंटरटेनमेंट की तरफ से मैसेज जिन्होंने लिखा है सुपर डुपर हिट मूवी देवी गीत एंड डॉटर खेसारी लाल यादव, खेसारी लाल यादव, काजल राघवानी, कृति यादव, सुपर हिट सॉन्ग, आई लाइक इट। हमारी तरफ से दुआ है, भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपकी बेटी यानी कृति को लंबी उम्र दे। आई लव यू खेसारी लाल यादव जी एंड काजल राघवानी जी, एंड योर सॉन्ग इज़ वेरी नाइस। कृति यादव मैं माई के दुख से नवरात्रि सॉन्ग, ये बहुत प्यारा गाना है आपका। तमाम लोगों ने कृति को बर्थडे के लिए उन्हें विश किया है, और हर किसी के जुबान से बस यही निकला है कि कृति ने फिल्म में बहुत अच्छी एक्टिंग की है, और वो ऐसे ही उन्नति करती रहे।
वेल दोस्तों, हम भी यही चाहते हैं, हमारे नेक्स्ट टाइम न्यूज़ भोजपुरिया की पूरी टीम यही चाहती है कि कृति इसी तरीके से आगे बढ़ती रहे और अपने परिवार का, अपना और भोजपुरी इंडस्ट्री का नाम आगे रोशन करते रहे। फिलहाल दोस्तों, आज के खास प्रोग्राम में इतना ही। जाते जाते एक बार फिर से नेक्स्ट टाइम न्यूज़ भोजपुरिया की पूरी टीम की तरफ से कृति को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम न्यूज़ भोजपुरिया को लाइक कमेंट लग भोजपुरिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाए ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।